ऋतिक रोशन वर्सेस वरुण धवन टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज। ऋतिक रोशन के फैन लाइक करो और वरुण धवन के फैन सब्सक्राइब करो। ऋतिक रोशन की 10 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है मोहनजोदड़ो। इस मूवी का बजट था 120 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 107 करोड़ का बिजनेस किया था। तो वहीं पे वरुण धवन की 10 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है अक्टूबर। इस मूवी का बजट था 40 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 61 करोड़ का बिजनेस किया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन की 9 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है विक्रम वेदा। इस मूवी का बजट था 150 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 136 करोड़ का बिजनेस किया था। तो वहीं पे वरुण धवन की 9 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो। इस मूवी का बजट था 35 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 78 करोड़ का बिजनेस किया था। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलता है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन की 8 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है जिंदगी न मिलेगी दोबारा। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 155 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं पे वरुण धवन की 8 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है बदलापुर। इस मूवी का बजट था 25 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 78 करोड़ का बिजनेस किया था। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलता है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन की 7 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है अग्निपथ। इस मूवी का बजट था 75 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 195 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं पे वरुण धवन की 7 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है डुशुम। इस मूवी का बजट था 60 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 119 करोड़ का बिजनेस किया था। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलता है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन की 6 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है सुपर 30। इस मूवी का बजट था 100 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 209 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं पे वरुण धवन की 6 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। इस मूवी का बजट था 35 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 120 करोड़ का बिजनेस किया था। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलता है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन की 5 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है काबिल। इस मूवी का बजट था 75 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 220 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं पे वरुण धवन की 5 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ का बिजनेस किया था। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलता है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन की 4 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है बैंग बैंग। इस मूवी का बजट था 160 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 380 करोड़ का बिजनेस किया था। तो वहीं पे वरुण धवन की 4 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है सुई धागा। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 127 करोड़ का बिजनेस किया था। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलता है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन की 3 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है फाइटर। इस मूवी का बजट था 260 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 340 करोड़ का बिजनेस किया था। तो वहीं पे वरुण धवन की 3 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है कलंक। इस मूवी का बजट था 150 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 146 करोड़ का बिजनेस किया था। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलता है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन की 2 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है क्रिश 3। इस मूवी का बजट था 95 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 383 करोड़ का बिजनेस किया था। तो वहीं पे वरुण धवन की 2 नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है जुड़वा 2। इस मूवी का बजट था 65 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 227 करोड़ का बिजनेस किया था। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलता है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है वार। इस मूवी का बजट था 200 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 475 करोड़ का बिजनेस किया था। तो वहीं पे वरुण धवन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का नाम है दिलवाले। इस मूवी का बजट था 150 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 387 करोड़ का बिजनेस किया था। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलता है ऋतिक रोशन को। बाकी टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज के मामले में विनर ऋतिक रोशन है, लेकिन आप इसके फैन है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।